सुप्रभात प्यारे बच्चों बच्चों, आज नई संजीवनी से हम पाठ 10 हार की जीत कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, कहानियाँ सुनना और पढ़ना हम सबको अच्छा लगता है और छोटे बच्चे तो अक्सर अपने से बड़ों से कहानियाँ सुनते ही रहते हैं। और कहानियाँ जो होती हैं बच्चों, वो किसी ना किसी घटना पर आधारित होती हैं और कहानियाँ हमारा मनोरंजन भी करती हैं और हमें एक अच्छी सीख भी देती है। तो आज की कहानी हार की जीत भी बच्चों ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है। चलो अब हम इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े को देखकर उन्हें वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटे को देखकर और एक किसान को अपने लहलाते खेत देखकर प्राप्त होता है। बच्चों, उनका जो घोड़ा था बच्चों, वो पूरे इलाके में बड़ा सुंदर और बलवान था। उसके समान सुंदर और बलवान कोई भी घोड़ा नहीं था और उन्होंने अपने घोड़े का नाम सुल्तान रखा। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद सब कुछ त्याग दिया। त्यागने का अर्थ होता है बच्चों छोड़ दिया। और वे गांव से बाहर आकर एक छोटे से मंदिर में रहने लगे और भगवत भजन के बाद जो समय बचता वह अपने घोड़े के ऊपर व्यतीत करने लगे। भगवत भजन क्या होता है बच्चों? भगवान की पूजा। वह अपने घोड़े के बिना नहीं रहते थे और उसके चाल पर लट्टू भी थे। लट्टू क्या होना का अर्थ होता है बच्चों? मोहित होना। और हर शाम को वे अपने घोड़े पर बैठकर पूरे इलाके का चक्कर भी काटते थे क्योंकि वे उन्हें अपने घोड़े की चाल बहुत अच्छी लगती थी। बच्चों, तभी क्या होता है कि घोड़े की प्रशंसा सुनकर वहाँ के इलाके का प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह वहाँ आ जाता है और बाबा भारती के पास आकर कहता है, मैंने आपके घोड़े की प्रशंसा सुनी है, मुझे अपना घोड़ा तो दिखाओ। बच्चों, बाबा भारती डर के मारे उसे अपने अस्तबल में ले जाते हैं और वहाँ उन्हें सुल्तान को दिखाते हैं। सुल्तान की सुंदरता देखकर खड़क सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जाते जाते वह बाबा जी से कह जाता है कि बाबा जी, अब यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा जी तो डर जाते हैं और उनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है और वे दिन रात अस्तबल में सुल्तान के पास खड़े होकर उसकी देखभाल करते हैं। और इसी तरह कैसे बच्चों कई मास बीत जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि संध्या के समय, संध्या क्या होता है बच्चों? शाम के समय वह अपने घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। कंगला क्या होता है बच्चों? गरीब। तभी बाबा ने मुड़कर देखा कि एक अपाहिज जो वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसे दुख हो रहा है। वह उसके पास पहुँचे और पूछा कि तुमने कहाँ जाना है? तो अपाहिज बोलता है कि मुझे रामवाला जाना है। फिर बाबा जी उससे पूछते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है? तब वह कहता है कि दुर्गादत्त वैद्य। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना है तुमने? वैद्य का अर्थ होता है बच्चों जड़ी बूटियों का डॉक्टर। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। तो बच्चों क्या होता है, बाबा उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लेते हैं। अभी थोड़ी ही दूर जाते हैं कि अचानक से उनके हाथ से लगाम छूट जाती है और घोड़ा जो अपाहिज था वह दौड़ाई ले जा रहा होता है। तो बच्चों, बाबा को समझते देर नहीं लगती कि यह अपाहिज और कोई नहीं डाकू खड़क सिंह है। तभी डाकू खड़क सिंह बाबा से कहता है, देखा बाबा, मैंने आपको कहा था ना कि यह घोड़ा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। तो बाबा उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि रुको, मेरी एक प्रार्थना सुनते जाना। तो कहता है, बाबा ऐसी कौन सी प्रार्थना है, क्या तुम मुझसे डर गए? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं डरा नहीं हूँ, पर यह घटना तुम किसी को मत बताना। तो उन्होंने कहा, क्यों ना बताऊँ? तो बाबा जी उत्तर देते हैं कि यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति गरीब दुखिया पर विश्वास नहीं करेगा। तो बाबा जी के यह कहकर चले जाते हैं और खड़क सिंह घोड़ा पाकर बड़ा खुश होता है। बच्चों, खुशी के साथ साथ उसके दिमाग में बाबा भारती के कहे शब्द भी गूंजते रहते हैं कि यह कैसा इंसान है, उसे अपने घोड़े की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता है।
तो बस बच्चों वह सारी रात सो नहीं पाता और रात के अंधकार में ही वह सुल्तान को बाबा के अस्तबल में बांध जाता है। सुबह जब बाबा भारती सूर्य उदय होने पर उठते हैं, स्नान आदि करते हैं और जैसे ही वह अस्तबल की ओर जाने लगते हैं, तब वह अपनी भूल पर देखते हैं कि प्रतीत होती है कि वहाँ तो कोई घोड़ा है ही नहीं, वहाँ तो सुल्तान है ही नहीं अस्तबल में। तब क्या होता है बच्चों, वह वापस लौटने लगते हैं, तभी अस्तबल में से हिन हिनाने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। फिर वह क्या करते हैं बच्चों, अस्तबल में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो सुल्तान बंधा हुआ है। वह उसके गले लगते हैं, उसे खूब प्यार करते हैं और रोते हैं जैसे कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिलता है। तब वह सारी बात समझ आते हैं और उनके मुख से यह शब्द निकलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। क्यों बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी है ना? और इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और गरीबों पर दया करनी चाहिए। धन्यवाद।